जैकी को पहला क्वेश्चन, डांस आता है? नहीं। गाना आता है? नहीं। एक्टिंग आती है? नहीं। कहने लगा, सर ये डायलॉग तो मेरे से नहीं बोला जाएगा। मैंने उसको बुलाया, ये कहानी है तो मेरे हीरो पिक्चर की, तो वो शॉक हो गया। कहानी लिखी हीरो की। फिर उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, एक नया लड़का, नई लड़की। तो जैकी जो है, he was introduced to me by a friend called अशोक खन्ना। तो मेरे घर में लेके आया उनको मिल कि एक मॉडल टाइप का लड़का है, मिल लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको पूछा, जैकी को पहला क्वेश्चन, डांस आता है? नहीं। गाना आता है? नहीं। एक्टिंग आती है? नहीं। सीधा बोला उसने, एंड आई लव्ड हिम, आई लव ऑनेस्ट पीपल। सेकंड थिंग आई सॉ इन हिज फेस, ही हैज इंटेंसिटी ऑन हिज फेस। एक इंटेंसिटी होती है ना जिंदगी के थपेड़े खाए हुए जो लोग होते हैं, उनकी आंखों में एक अलग दर्द होता है। और वो उस फेस चाहिए था मुझको। दूसरी बात, फिर मैंने उसको एक सीन दिया, छोटा सा कैमरा था, ऐसे उठाया वीडियो कैमरा, मैंने चलो तुम डायलॉग याद कर लो और बोल लो घर में ही। कहने लगा, सर ये डायलॉग तो मेरे से नहीं बोला जाएगा, तो दो पेज का एक पेज का। वो अभी भी नहीं बोल सकते दो पेज का डायलॉग, मेरे से नहीं होगा ये। 20 रीटेक्स होते हैं उनके, मीम बन गए हैं उनके। हाँ, तो मैं बोला अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम डायलॉग मत बोलो, लेट्स चैट। फिर मैंने उसकी बातचीत करनी शुरू की, जैकी से तुम कहाँ रहते हो, फादर मदर क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं। तो उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब वो कहानी सुना रहा था, जब कोई भी अपने घर की कहानी सुनाता तो रियल बन जाता है, इमोशन में आ जाता है। फिर उसने एक कहानी सुनाई कि कैसे उसका ब्रदर जो था वो समुद्र में डूब गया किसी को बचाते हुए, कैसे वो सीरियस हो गया, उसकी आंखें नम हो गई, कैसे वो हंसने लगा बात बताते। तो सारी मैंने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली और मैंने कहा जाओ आप कल मिलेंगे। रात को मैंने राइटर्स को बुलाया अपने, मैंने ये लड़के को देखो ये स्टोरी बता रहा है अपने, दे ऑल लव्ड हिम। नेक्स्ट डे आया, मैंने उसको बुलाया, ये कहानी है तो मेरे हीरो पिक्चर की, तो वो शॉक हो गया। कहने लगा, साहब मेरे को एक्टिंग, मैं बोला मुझे मालूम है नहीं आती है, पर तुम कर लोगे। थोड़ी देर बाहर गया, फिर वापस आया, कहने लगा, सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने क्या? मैं देवानंद सब की पिक्चर में शक्ति कपूर का चमचा बना हूँ एक गुंडा, दो सीन मैंने किए हैं उसमें, और आप मुझे हीरो लेने हैं। I loved him. ऐसा से डोंट वरी, मैं देव साहब से बात करूँगा, अगर वो सीन काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यू आर माय हीरो। सो दिस वॉज माई कॉन्फिडेंस बिकॉज ही वॉज ए ऑनेस्ट पर्सन। अगर वो हीरो का स्टाइल बना के आता है, ये करता है, उन्होंने ये किया, वो कुछ नहीं। आज भी वो प्योर है अगर आप देखो, yes. आज भी वो उतना ही इनोसेंट है। yeah. वो रिटेन करते हैं, उसका छलावा नहीं है, नहीं, बिकॉज ही इज लाइक दैट, उसकी सोल ऐसी है।